हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन। देखिए, निश्चित समाकलन हमने स्टार्ट किया है, उसका आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है। फर्स्ट पार्ट में हमने लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा से मैंने आपको बताया। लिमिट ऑफ सम में हम लिमिट की सहायता से जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फार्मूला है उसके हेल्प से हमने इंटीग्रेशन किया, जो नेचुरली आपने देखा होगा कि बहुत लंबा बनता है, बहुत लेंदी होता है, लेकिन वही बेसिक फाउंडेशन है, इसलिए हम वहाँ से पढ़ते हैं। यदि एग्जाम में जैसे CBSE बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आता है तो सीधा लिखा रहता है इंटीग्रेट बाय द हेल्प ऑफ लिमिट ऑफ सम, योग की सीमा की सहायता से समाकलन कीजिए, तब आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और यदि मेथड की बात नहीं करता तो आप फ्री हैं, फिर कैसे आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो फंडामेंटल थ्योरम है, मूलभूत सिद्धांत, मूलभूत प्रमेय, जिसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट को रखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करूं कि एक्चुअल में जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका इंटीग्रेशन में अच्छा, यदि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन नहीं बनता तो डेफिनिट नहीं बनेगा। इसलिए आपको सबसे पहले उसका रिविजन करना है। बाय द वे, आपका प्रॉब्लम है तो आप अच्छे से मेरे प्रीवियस वीडियो देखो और पूरे इंटीग्रेशन को एक बार रिवाइज करो, जितने टाइप का इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया है, तो डेफिनेट आपको फटाफट बनेगा। और यदि पीछे बनता है तो नो प्रॉब्लम, आगे बनेगा। इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी पर बेस्ड होगा, मतलब कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज डेवलप किए गए उस पर बेस्ड होगा। और उसके पहले के पूरा इंटीग्रेशन, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है और लास्ट में आपको लिमिट को पुट अप कर देना है। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पीछे आप पूरा पढ़े हुए हो। तो हम आज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल थ्योरम पर, आज क्वेश्चन करेंगे अपन। सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो है फंडामेंटल थ्योरम। बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं मूलभूत प्रमेय। मूलभूत प्रमेय, और मूलभूत प्रमेय पर पहले मैं आपको थ्योरम को समझा दूं। फंडामेंटल थ्योरम होता क्या है, जैसे फिजिक्स में आपने बहुत बार यूज़ किया, अपन इंटीग्रेशन कर देते हैं फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका फार्मूला क्या होता है। फार्मूला है इस तरह से, ये है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। फंक्शन ऑफ डी एक्स मतलब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ये लिमिट है ए और बी, जहाँ पर नीचे जो लिखा जाता है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट हिंदी में निम्न सीमा, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट से भी मेरे को सजेशन है कि उसको आप लोअर लिमिट, इतना ज़्यादा हिंदी का मतलब निम्न सीमा कहने की जरूरत नहीं है, लोअर लिमिट बोलो। और ऊपर जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपर लिमिट, उच्च सीमा। उच्च सीमा इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो इंटीग्रेशन के साइन को हम हटा देते हैं, और स्मॉल एफ एक्स लिखा है उसको मैंने लिख दिया एफ एक्स, दैट मीन्स दिस इज द वैल्यू आफ्टर इंटीग्रेशन, समाकलन के पश्चात का फंक्शन है ये। और ये है लिमिट, यहाँ लिखा जाएगा a टू b, दैट इक्वल, आगे इसको लिमिट को पुट कैसे करते हैं, ये जो x है मतलब आपके फंक्शन में जहाँ जहाँ पर वेरिएबल x होगा वहाँ आपको फिर क्या पुट अप करना है, पहले अपर लिमिट, मतलब ये फार्मूला हो जाएगा फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a, ये इस तरह से लिमिट को रखा जाता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको नोटिस करना है, वो ये है कि फंक्शन ऑफ x समाकलन के पहले का फंक्शन है और ये क्या है, समाकलन के बाद का फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मान लो साइन एक्स लिखा है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होकर वो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा और उसके बाद लिमिट को पुट अप किया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं तो क्लियर हो जाएगा यहाँ से, एक इजी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स, ये हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स डी एक्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा वर्किंग स्टेप क्या है कि जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन कर दो, मतलब आप सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स ये होगा, और लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई बाई टू, दैट इक्वल, ये जो कॉन्स्टेंट रहेगा जो भी कॉन्स्टेंट है साइन माइनस है सबको पहले ब्रैकेट के बाहर कर दो, तो ये मैंने इसको बाहर कर दिया माइनस को। अब हमको क्या करना है, ये जो एक्स है उसके जगह में एक बार अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखें यहाँ पर तो हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस जीरो ये होगा, दैट इक्वल माइनस कॉस पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री,
और cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो ये जीरो और माइनस cos जीरो इज वन, ये होगा दैट इक्वल, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वन, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर देखो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में जो फाइनल आंसर आता है, जो वैल्यू आता है वो डेफिनिट आता है, निश्चित आता है। देखो वन, वन इज डेफिनिट वैल्यू, निश्चित। तो निश्चित समाकलन में जितने भी आंसर आप आएंगे वो निश्चित आएंगे, वो x के फॉर्म में या साइन x कास x एक्स स्क्वायर टू एक्स के फॉर्म में नहीं आएंगे, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं आएंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर, इसीलिए इसमें प्लस सी कांस्टेंट नहीं लिखते, क्योंकि दैट इज आल्सो कांस्टेंट, ये तो खुद कांस्टेंट है, तो प्लस सी इसमें नहीं लिखा जाता। और जब हम इनडेफिनिट करते हैं तो आंसर में प्लस सी लिखते हैं। तो ये है इसका किस तरह से थ्योरम यूज़ करते हैं। तो देखो आज मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, मैं जनरली एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सभी राइटर ने अपने बुक में लिखा है। तो आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे, जिस स्टेट बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, आईसीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के होंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्रीम कलेक्शन है, अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है। और सबसे बड़ी विशेषता उसमें है कि वो इजी टू डिफिकल्ट है, पहले आपको सरल प्रश्न, फिर दूसरे टाइप के। और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आपको फ्यूचर में प्रिपरेशन करना है तो मेरा सजेशन है कि आप सभी सब्जेक्ट, मैथ्स भी, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जूलॉजी बॉटनी सब आपको एनसीईआरटी से पहले प्रिपेयर करना चाहिए। पहला बेस आपका एनसीईआरटी, ये हमेशा बात ध्यान में रखना। कॉम्पिटिटिव का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन एनडीए वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस होना चाहिए, भले ही आपका रीजनल बोर्ड कोई भी हो, चाहे आप यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, राजस्थान, झारखंड, स्टेट बोर्ड कोई भी हो, एमपीसीजी कोई बोर्ड के स्टूडेंट हो आप, एनसीईआरटी इज़ मस्ट कंपलसरी, उसको आपको करना ही है। आप ऐसा नहीं समझना कि हम तो इस बोर्ड के स्टूडेंट हमको एनसीईआरटी, ऐसा नहीं, एनसीईआरटी एक अच्छा कलेक्शन है। इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस कराता हूँ, अभी मेरा जो फर्स्ट पार्ट में वीडियो बन रहा है उसमें मैं 90% एनसीईआरटी क्वेश्चन ही प्रीफर करता हूँ, 10% का 15% क्वेश्चन मैं अपने से या कुछ ऐसे राइटर से कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन का आपको कलेक्शन देता हूँ, ये आप ध्यान में रखना। वैसे क्वेश्चन आपके राइटर को मैच करेगा, सबने एनसीईआरटी को फॉलो किया है। चलिए तो आज हम फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, इसके लिए मैं इजी क्वेश्चन से आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, बहुत सामान्य क्वेश्चन भी मैं आपको करा रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। देखो तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ जो कि बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर डी एक्स टू टू थ्री, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इतना आसान भी उसमें दिया है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स टू टू थ्री, ऐसा आपको इंटीग्रेशन करना है। तो कितना आसान होता है देखिए, एक्चुअल में इंटीग्रेशन का मजा डेफिनिट इंटीग्रेशन में ही आता है, क्योंकि आपने जो समाकलन किया है उसका ये रिवीजन है एक तरह से, क्योंकि अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फंक्शन मिलेंगे, उसका समाकलन करना है और लास्ट में आपको लिमिट पुटअप करना है, तो वो पीछे का रिवीजन ही है। तो क्या मैंने बताया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का हमको इंटीग्रेशन करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स क्यूब अपान थ्री, अब लिमिट यहाँ रखा जाएगा टू टू थ्री, दैट इक्वल थ्री को मैं बाहर कर दूँ, कांस्टेंट है वन अपान थ्री, तो अपर लिमिट यहाँ थ्री होगा, तो एक्स के जगह में थ्री रखेंगे, थ्री का पावर थ्री, और माइनस फिर रखेंगे लोअर लिमिट, तो टू टू दी पावर थ्री ये होगा, दैट इक्वल इसको आगे हम सॉल्व करें तो वन अपान थ्री ये हो जाएगा 27 माइनस 8, और इसको माइनस कर दें तो कितना आएगा 19 अपॉन 3, ये आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, इस तरह से डेफिनेट इंटीग्रेशन बनेगा। चलिए मैं कुछ 8-10 क्वेश्चन फटाफट आपको इसी तरह के एवरेज लेवल के करा देता हूँ ताकि आपका स्टार्टिंग में कमांड हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर बताता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई इक्वल, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, और कहीं पता चला कि आप साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का अलग अलग इंटीग्रेशन करने में लग गए तब तो हो गया काम। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला होता है क्या, तो होता है, हमको मालूम है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, उसी तरह से टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, सेक इन्वर्स एक्स प्लस कोसेक इन्वर्स इक्वल टू पाई बाई टू। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री तो कैलकुलस की आत्मा है, समझ लो उसकी जान है। यदि आपका ट्रिग्नोमेट्री में कमांड नहीं है तो कैलकुलस अपने आप पुअर हो जाएगा। इसलिए आपको याद होगा, यदि आप मेरे वीडियो शुरू से देख रहे होंगे तो जैसे ही मैं कैलकुलस पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को जरूर देता हूँ कि भैया आप ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले याद कर लो, या फार्मूला के एटलीस्ट अपने पास रखो
और उसको एक दिन दो दिन में उसको रिवाइज करते ही रहो, क्योंकि मैक्सिमम जगहों में इंटीग्रेशन में हो चाहे डिफरेंशिएशन में हो, हम सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले यूज़ करते हैं। तो देखो क्वेश्चन देखने में इतना डिफिकल्ट है, लेकिन दो लाइन का है, क्योंकि हमको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाय टू होता है। ठीक है, तो अपन फार्मूला इसमें अप्लाई कर दें। अब इंटीग्रेशन बाद में करेंगे, पहले उसका वैल्यू पुट अप कर दें 0 to 1, और इसको लिख देंगे पाई बाय टू डी एक्स। ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से। ओके, दैट इक्वल पाई बाय टू कॉन्स्टेंट है, उसको हमने बाहर कर दिया, तो इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, दैट मीन्स 1 बचा। और हमको मालूम है कि इंटीग्रेशन ओनली इंटीग्रेशन डी एक्स एक्स होता है, या 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, पाई बाय टू बाहर लिख दिया, ये एक्स 0 to 1, दैट इक्वल, अब हम इसका लिमिट रख देते हैं, दैट इक्वल पाई बाय टू क्या रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज 1, लोअर इज 0, तो आएगा 1 माइनस 0, दैट इक्वल पाई बाय टू, ये फाइनल आंसर होगा। तो बहुत आसान है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। तो मैं इस तरह के कुछ क्वेश्चन के आज प्रैक्टिस करा दूँ, या तो आपको फटाफट 10 मिनट में हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो मैं लेके आऊँगा आपके लिए बहुत जल्दी, है ना। आप लोगों को लगता होगा सर ऐसे बोलते हैं लेट हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम अभी लाऊंगा कंटिन्यूस, तो नेक्स्ट पार्ट आपको जो मिलेगा वो बाई सब्स्टिट्यूशन मिलेगा, वो थोड़ा एक एक चैप्टर में इसका स्टैंडर्ड इंक्रीज होते जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लें, कुछ अच्छे क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस हम करेंगे। -1 to 1 एक्स प्लस 1, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, -1 to 1। एक चीज आप ध्यान देना, अभी आपको जितना इंटीग्रेशन मैं करा रहा हूं, ये प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद इनका जो करने का तरीका है वो थोड़ा बदल जाएगा, क्योंकि फिर हम प्रॉपर्टी यूज़ करने लगेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी यूज़ करने से पहले आपको बेसिक चीज़ों पर बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इक्वल, अब इसको हम, ठीक है, आप लोगों में से कई लोग सोचो सर इतना आसान भी आप बता रहे हो, ऐसा नहीं, अभी कभी ऐसा कभी नहीं सोचना, आपको पहले बार इजी क्वेश्चन करना ही चाहिए, इससे दो तीन फायदे हैं। पहला है कि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि भाई मेरे से क्वेश्चन बनने लगे। दूसरा ये है कि जब तक आप छोटी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे तो अब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में इजी क्वेश्चन, जैसे अभी मैं बताया साइंस का एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजी ही करके छोड़ दिए, वो 2 मार्क्स का आ गया, और कहीं हमको ये नहीं पता है कि साइंस का एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है, भूल गए हैं मान लो, गया फिर वो। इसलिए आप कभी भी चीज़ों को हल्के में मत लो, इजी क्वेश्चन पर भी आप वर्क करो, भले ही आप थोड़ा टाइम दो फटाफट कर लो, लेकिन बेस स्ट्रांग आपका होना चाहिए, ये पहला फंडा यही है। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन इसका करें तो क्या हो जाएगा, देखो मैं इंटीग्रेशन का साइन हटा दिया सीधा, अब x का पहले इंटीग्रेशन होगा x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x, लिमिट रख लेंगे -1 to 1। लिमिट रखने में हमेशा ध्यान रखना कि जब माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो चिन्ह को बदलने में गलती नहीं करना, ज़्यादा तो ऐसा हो जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि उसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कितना भी आपका प्रैक्टिस हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, जो मानवीय भूल जिसको बोलते हैं वो मेरे से भी हो सकता है, तो यदि आप लापरवाही कर दिए या ध्यान नहीं दिए तो प्लस माइनस में बहुत मिस्टेक होता है, उसके बाद तो गया भाई, मैथ से आपको 3 मार्क्स का पूछा है 0 मिल जाएगा सीधा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, उसको मैं बाहर लिख दिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के जगह में अपर लिमिट को रखूँगा 1 को, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ भी अपन अपर लिमिट रखेंगे, ये 1 हो गया। अब हम रखना शुरू करेंगे लोअर लिमिट को, तो माइनस होता है, ये माइनस लगा दिए 1 अपॉन 2, और ये एक्स स्क्वायर के जगह में अब रखेंगे क्या, -1, तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ भी माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा, तो माइनस और एक्स के जगह में -1। देखो फिर इसको बराबर चिन्ह को ध्यान में रख के भरना कि कहाँ पर माइनस लिखना है, कहाँ ये, अदरवाइज बहुत गड़बड़ होगा ना, तो थोड़ा केयर करने का है, इजी क्वेश्चन हो तो भी। दैट इक्वल इसको सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये हो गया 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा +1, ये -1 का स्क्वायर +1 होगा, स्क्वायर है तो +1 होगा, तो यहाँ से बच जाएगा -1 by 2, और यहाँ -(-+1) ये होगा। दैट इक्वल देखो -1 by 2 +1 by 2 के साथ कैंसर, 1 + 1 = 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। ओके, तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर आया 2 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, साइन टू एक्स, 0 to π/4 साइन टू एक्स। आई इक्वल 0 to 2 साइन टू एक्स, कैसा इंटीग्रेशन होगा देखो। तो साइन टू एक्स का हमको इंटीग्रेशन करना है। साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, दैट इक्वल इंटीग्रेशन करो, साइन का होता है कास, तो यह हो जाएगा कास, माइनस कास होता है तो हो जाएगा माइनस कास टू एक्स, और अपान ये टू एक्स का डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 2। ये हो गया 0 to 2। एक तरह से आपका इंटीग्रेशन का रिविजन ही हो रहा है और कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में जो बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा है, -1/2 को मैंने बाहर कर दिया, ये -1/2 को, अब अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा कास 2 इंटू, इसके एक्स के जगह में अपन रखेंगे 2, ये हो जाएगा 2 into 2। ठीक है, 0 to 2 ही है ना इंटीग्रेशन का लिमिट, मेरे को डाउट हो रहा है। वही मैं सोच रहा था कास 4 का कोई वैल्यू आएगा नहीं, मैं क्वेश्चन को गलत लिख लिया, 0 to π/4 है, 0 to π/4। 2 में क्या वैल्यू देगा ये, 2 में क्या वैल्यू देगा ये, है ना, 0 to π/4 है। तब लिमिट रखेंगे 0 to π/4, ये कास 2 into π/4, अब कोई मतलब है, और माइनस लोअर लिमिट मतलब कास 0, दैट इक्वल -1/2, कास 2 into π/4, 2 4 के साथ कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा, π/2 होगा और वो 0 हो जाएगा, 90 degree 0 होगा, तो यहाँ पर ये 0 और ये -1, दैट इक्वल -±1/2 इज फाइनल आंसर, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर दिया इसने, इन सब NCERT क्वेश्चन है ना, 1/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई इक्वल 0 to π/2 कास स्क्वायर एक्स डीएक्स, कैसा इंटीग्रेशन होगा। आपको पता है कि चाहे वो कास स्क्वायर एक्स हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो, कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सीधा सीधा नहीं होता, उसके लिए हमको कास 2x का फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। कास 2x इक्वल टू होता है 2 cos²x - 1। इससे यदि हम इसको फार्मूला को चेंज करें तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 0 to π/2, और इसको लिख सकते हैं 1 cos²x/2। तो पहले इस फॉर्म में यही है, इस चैप्टर को पढ़ने से जो सबसे बड़ा फायदा है, आपका इंटीग्रेशन का रिवीजन हो रहा है। डेफिनेट तो आप पढ़ ही रहे हो, इनडेफिनिट का भी रिवीजन हो रहा है। दैट इक्वल, अब देखो 1/2 कांस्टेंट है उसको मैं बाहर कर दिया, अब 1 का इंटीग्रेशन x का रेस्पेक्ट में x होगा, प्लस कास 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x और अपॉन 2, ये हो जाएगा 0 to π/2। अब लिमिट रखेंगे अपन, लिमिट रखेंगे तो दैट इक्वल 1/2 अंडर ब्रैकेट, सबसे पहले π/2 लिमिट को रखेंगे तो ये हो गया π/2 प्लस साइन 2 into π/2 अपॉन 2 और माइनस लोअर लिमिट, तो -0, ये भी -0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। दैट इक्वल 1/2π/2 प्लस यहाँ पर देखो साइन पाई होगा और साइन पाई, साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, तो 0 हो जाएगा, ये कंप्लीट 0 हो गया। दैट इक्वल अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा π/4, दिस इज फाइनल आंसर, ये हो जाएगा π/4। तो आप देख रहे हो सभी क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा, नेचुरली आपको आसान लग रहा होगा, इंटीग्रेशन अच्छा बनता है, तो डेफिनेट में कुछ नहीं है, ये धीरे धीरे थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, चलें फिर और कोई क्वेश्चन लें, π/6 to π/4, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। π/4 to π/6 है ना, कोसेक एक्स डी एक्स, कोसेक एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, फार्मूला पर ही है सब, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है क्या होता है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला है।
और यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई फोर टू पाई बाई सिक्स दैट इक्वल। बस इंटीग्रेशन तो हो गया, अब लिमिट अपने को रखना है। एक लाइन में इंटीग्रेशन हो गया, अब लिमिट ही रखना है, तो लिमिट को ध्यान से रखना, लाग वाला है ना, तो लाग कोसेक एक्स, तो क्या हो जाएगा कोसेक पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स माइनस काट, अपर को पहले लिखेंगे काट पाई बाई सिक्स, ये हो गया अपर लिमिट, और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा लाग कोसेक पाई बाई फोर, लिमिट लोअर पाई बाई फोर है, और माइनस काट पाई बाई फोर, ये हो गया। अब वैल्यू पुट अप करो, दैट इक्वल लॉग पाई बाई सिक्स, तो आपको कोसेक का याद नहीं है, देखो आपको साइन से लेकर टेन तक याद होना चाहिए, बाद में रेसिप्रोकल करके उसको बना सकते हो। तो पाई बाई सिक्स मतलब कितना 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 कोसेक है, तो माइनस काट पाई बाई सिक्स, टेन 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो इसका कितना हो जाएगा रूट थ्री, ये हो जाएगा रूट थ्री, और माइनस लाग यहाँ पर देखो ये पाई बाई फोर मतलब 1/, मतलब साइन का 1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो कितना हो जाएगा इसका रूट टू हो जाएगा, ये हो गया रूट टू, और माइनस इसका 1 होता है, इसका भी 1 ही रहेगा ये। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे लाग एम माइनस एन, हमको एलजेब्रा से फार्मूला पता है, लाग एम माइनस लाग एन इक्वल टू होता है लाग एम अपॉन एन, दैट इक्वल यदि हम इस फार्मूला को यहाँ पर लगा दें तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा, ये लाग, देखो ये एम का वैल्यू है और ये एन का वैल्यू है, तो हो जाएगा लाग टू माइनस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट टू माइनस वन, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो लाग टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री माइनस वन, लाग रूट टू माइनस वन, यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर दिया क्या हमने, आंसर तो उल्टा आ रहा है, रूट टू माइनस वन पाई बाई सिक्स टू पाई बाई फोर। ओहो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यदि ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही आएगा, एक्चुअल में बुक में क्वेश्चन में क्या दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, बुक में ये जो लिमिट है ना उसको पाई बाई सिक्स दिया है, और ये वाला लिमिट को क्या दिया है पाई बाई फोर दिया है, तो आंसर उसमें उल्टा आया है, रूट टू माइनस वन, रूट टू माइनस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री आया, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको क्या करना है, आप समझ गए इसको। यदि मैं इस लिमिट को अपर को यहाँ कर दूँ, लोअर को ऊपर इंटरचेंज कर दूँ, तो यहाँ पर भी इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब ये ऊपर ये नीचे चलाएगा, मतलब यदि क्वेश्चन इस तरह से हो, बाय द वे क्वेश्चन आपका कैसा हो, आई इक्वल टू, इसको ध्यान रखना, बल्कि एक नया चीज़ आप सीख लो कि वो चेंज होने से सीधा उसका आंसर जस्ट अपोजिट हो जाता है, यदि इसको मैं पाई बाई सिक्स और इसको पाई बाई फोर कर दूँ, इसका जस्ट अपोजिट, तो इसका आंसर हो जाएगा ये लाग, ये ऊपर चला जाएगा रूट टू माइनस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके ये ध्यान में रखना। तो इस तरह से भी बना सकते हैं, क्योंकि बुक में ऐसा दिया है, मैं धोखे से लिमिट को दूसरा लिख लिया था, क्लियर। तो ये आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, सभी क्वेश्चन आसान है, आज का जो मैं क्लास आपको ले रहा हूँ, बल्कि पहला पार्ट जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर सम करना ये बहुत आसान है, फंडामेंटल थ्योरम बहुत आसान है, बस आपको कोई इतना बता दे कि भाई लिमिट को ऐसा रखना है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन तो आपको करना ही है, इंटीग्रेशन तो आपको अपने से ही करना है, इंटीग्रेशन नहीं होगा तब तो पीछे का सभी गया समझ लो, उसके बाद लिमिट को रखना है, तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान है, बहुत तेज़ी से हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा कोर्स के डिले होने का भी चिंता है, लेकिन अभी मैं इंटीग्रेशन को आपको तेज़ी से पढ़ा देता हूँ, आसान भी है, क्या बेसिक का शुरुआत थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। चलिए फिर एक और क्वेश्चन ले लूँ मैं, 0 to π/4 10x, बस आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, I इक्वल टू 0 to π/4 10x dx, 0 to π/4 ही है ना, लिमिट को देख लेता हूँ, चलो इंटीग्रेशन करो, दैट इक्वल 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लाग cos x, ये इंटीग्रेशन 0 to π/4। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप तो यही है, ये आपको नहीं पता है तो आगे काम खत्म, और ये पता है तो आपको आगे करना क्या है,
दैट इक्वल माइनस को बाहर लिख दिया, ये हो गया लाग कास एक्स, तो हो गया कास पाई बाई फोर माइनस लाग कास जीरो दैट इक्वल टू माइनस लाग कास पाई बाई फोर, पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री, कास पाई बाई फोर कितना होता है 1/√2, ये हो गया 1/√2 और माइनस लाग कास जीरो, कास जीरो क्या होता है 1, कास जीरो 1 होता है और लाग 1 फिर 0 हो जाता है, तो दैट इक्वल आगे क्या हो जाएगा माइनस लाग लाग 1/2 माइनस 0, लाग 1 0 होता है दैट इक्वल टू माइनस लाग 1/2, ये आंसर होगा इसको। और अब आप सॉल्व करना चाहो यहाँ आंसर लिख सकते हो, लेकिन और लाग सॉल्व करना चाहो तो लाग 1/2 को आप लिख सकते हो लाग 1 माइनस लाग 2 करना चाहो तो, अदरवाइज वहाँ आंसर है माइनस लाग 1 फिर 0 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा ये लाग 2, अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा लाग 2, ये आंसर हो जाएगा। देखते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन है किस फॉर्म में आंसर ये देता है, 1/2 लाग 2। मैं भी यहाँ रूट टू है, यहाँ 1/√2 है, क्या हो गया ये मैं 1/√2 लिख दिया, रूट टू होगा ये, रूट टू होगा ये हो जाएगा रूट टू, इतने में कितना चेंज हो जाएगा देखो, इसमें लगा दिया रूट टू तो ये हो जाएगा दैट इक्वल लाग रूट टू, और रूट टू मतलब 2^√2 है वो सामने आ जाएगा तो हो जाएगा 1/√2। कई फॉर्म में आंसर लिख सकते हो आप लाग में, यहाँ पर भी फाइनल आंसर है ये, कोई जरूरी नहीं इसको आगे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पर भी फाइनल आंसर है ये रूट टू लिखना भूल गया था, तो 1/√2 एनसीईआरटी में आंसर दिया है 1/√2 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ओके तो ये हो गया 10x भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर लाग वगैरह का वैल्यू सॉल्व करने में थोड़ा सावधानी रखना पड़ेगा, तो इजी होने के साथ साथ इसमें आपको थोड़ा सावधानी तो रखना पड़ेगा। ओके और कुछ क्वेश्चन देख लें, कुछ अच्छे क्वेश्चन 0 to 1, चलो ठीक है 0 to 1 dx/√2 0 to 1 1/√1 - x² dx, इजी क्वेश्चन है समझ सकते हैं, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है क्या होता है साइन इनवर्स x, ये हो गया साइन इनवर्स x, कुछ मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि लाग का वैल्यू कैसे रखते हैं, इनवर्स का वैल्यू कैसे रखते हैं, इसमें आपको दिक्कत ना हो, तो 1/√1 - x² इंटीग्रेशन इतना होगा, लिमिट को यहाँ रख दिया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, क्लियर दैट इक्वल साइन इनवर्स 1। अब आपको इनवर्स में पता है कि साइन का वैल्यू 1 कितने के लिए होता है, पाई बाई 2 के लिए, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, तो ये हम लिख देंगे इसको पाई बाई 2 और ये तो 0 ही होगा दैट इक्वल पाई बाई 2 इज फाइनल आंसर, तो कुछ नहीं है, ये देख के परेशान मत होना कि कैसा क्वेश्चन है, एक लाइन में इंटीग्रेशन उसका लिमिट पुट कर दो आंसर निकल जाएगा, ये अभी ये सब क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं एग्जाम में, एनसीईआरटी में दिए हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट एक आध दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन, चलो ये हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा मतलब थोड़ा लेंदी है, अच्छा क्या है उसमें थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन इसका, 1 to 2 4x³ i = 1 to 2 4x³ बड़ा है क्वेश्चन बस, -5x² इससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी लिमिट को कैसे रखना चाहिए, प्लस 6x + 9 dx, तो इसमें देखो फंक्शन बहुत सारे वैल्यूज हैं बस, तो सबको क्या करना है 1/1 लिमिट को कैसे रखना है मैं आपको आप सिखा देता हूँ, लिमिट को एक साथ रखना है सबका इंटीग्रेशन करने के बाद, ये इंटीग्रेशन का साइन हटाओ ऐसा लिखो और सबका इंटीग्रेशन कर दो,
तो हो जाएगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपान 4 एक्स क्यूब का माइनस 5 इंटू एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपान 2 और प्लस 9x और लिमिट 1 टू 2 क्लियर दैट इक्वल। अब इसको हम सॉल्व करें, पहले सॉल्व लिमिट पे रख देते हैं सीधा, या एक बार सॉल्व कर लें, 4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो x टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 5 अपॉन 3 एक्स क्यूब और प्लस 3 में 2 डिवाइड होगा 6 में 3 तो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x लिमिट 1 टू 2 दैट इक्वल। अब लिमिट को रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 को पहले रखते हैं यहाँ पर तो 2 टू द पावर 4। एक बार लिमिट को रखना चाहिए ना, डायरेक्ट उसको सॉल्व करके 60 नहीं लिख देना, एक बार लिमिट को दिखाना है वहाँ पर। माइनस 5 बाई 3 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2, ये अपर लिमिट लिखा गया। अब हमको क्या लिखना है, लोअर लिमिट। तो माइनस ये माइनस हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 4। अब देखो यहाँ केयर करना ना, यहाँ माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 5 अपॉन 3 1 का पावर 3, इसके बाद फिर प्लस 3 1 का पावर 2 3 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 9 इंटू 1, ये लोअर लिमिट को रख दिए। सॉरी यहाँ पर सब तो माइनस होगा भाई, देखो यहाँ पर माइनस का माइनस प्लस हुआ, उसके बाद सबको मैं उसी धुन में प्लस लिख दिया, ये माइनस होगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज माइनर मिस्टेक होता है, सब गलत हो जाता है। तो लोअर लिमिट जब हमने रखा तो प्लस का माइनस होगा, एक प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, फिर दोनों प्लस का माइनस हो गया। तो लोअर लिमिट आप जब रखोगे तो थोड़ा सा केयर करना कि जैसे मल्टी बहुत सारे फंक्शन हैं तो प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस करना है, अदरवाइज जैसे धोखा हो जाता है थी दिक्कत होता है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम इसको आगे फाइनल सॉल्व कर लें, मैं वहाँ लिख देता हूँ ऊपर में, दूसरे कलर से हाईलाइट करके लिख देता हूँ यहाँ पर। ओह टू का पावर 4 क्या हो गया 16 माइनस 2 का पावर 3 8 और 5 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 8 पंचे 40 40 अपॉन 3 माइनस, अब इधर लेंदी वर्क है इसमें कुछ नहीं है, प्लस 2 का पावर 2 4 प्लस 3 4 दिया 12 9 टू जा 18 9 दूनी 18 माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 3 माइनस 3 और माइनस 9, ओके। अब इसमें क्या करते हैं अपन, इंटीजर वैल्यू को चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, जो पूर्णांक हैं ये 16 12 18 माइनस 1 माइनस 9 और माइनस 3 और माइनस 9, तो जो जिसके साथ कैंसिल आउट हुआ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, माइनस 3 माइनस 9 माइनस 12 होगा और ये माइनस 12 प्लस 12 के साथ में ये कैंसिल हो जाएगा, ओके। और देखो हाँ, अब माइनस 1 इसके साथ हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 17 और ये है 16, तो 16 दूनी 32 एक 33 होगा, है ना, 33 होगा दैट इक्वल। ये इंटीजर वैल्यू 33 आ गया और माइनस 40 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 3 इसका और प्लस क्या बचा है 5 अपॉन 3 दैट इक्वल, यहाँ पर 3 एलसीएम आएगा तो ये 99 माइनस 40 और प्लस 5 तो ये हो जाएगा 99 में अपन 5 को ऐड करते हैं तो 104 में माइनस 40 करेंगे तो हो जाएगा 64 अपॉन 3, दिस इज द फाइनल आंसर। तो ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, बस ये वैल्यू पुट अप करने के लिए मैंने आपको इसके लिया, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको थोड़ा सावधानी से केयरफुली पुट अप करना है, अदरवाइज मिस्टेक होने के चांस रहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कठिन नहीं है, काम सावधानी से करना है। पहला काम इंटीग्रेशन आपको प्रॉपर करना है, इंटीग्रेशन प्रॉपर होने के बाद लिमिट को सावधानी से रखना है, ओके। एक क्वेश्चन और, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये लेता हूँ फिर हम आज के क्लास में ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ तक आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें सेकंड पार्ट में, इसके मतलब थर्ड पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन के बाद कैसे करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2
यहाँ पर एक खास बात आपने नोटिस किया होगा कि सबसे महत्वपूर्ण काम होता है हमारा प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो पहला स्टेप जैसे ही हमको क्वेश्चन का मिलता है, तो क्वेश्चन के मिलते ही हमको यह सोचना है भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। अब जैसे इसको देखने से बहुत डिफिकल्ट बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ही हमको गाइड करते हैं कि भैया इंटीग्रेशन कैसे करना है। यहाँ पर यदि मैं इसका इंटीग्रेशन इसका अलग करूँ उलझ जाऊँ तो बढ़ तो यहाँ से सीधा दिखता है कि ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला है। कौन सा फार्मूला आपको याद आ रहा होगा? फार्मूला हमको पता है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कास टू एक्स। इस फार्मूला के बेस पर है ये, लेकिन पहले कास होता है, इसमें पहले क्या है साइन है, तो हम माइनस को कॉमन कर लेंगे तो उस फॉर्म में चला आएगा ये दैट इक्वल टू। माइनस को कॉमन कर लेते हैं जीरो टू पाई, माइनस कॉमन करने से ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये होगा dx। अब देखो अब आगे क्या हो गया, माइनस जीरो टू पाई ये इस फार्मूला के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पर कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स है तो 2x है, यहाँ पर हाफ एंगल है तो कास 2x के जगह में कास 2x बाई टू दैट मीन्स कास एक्स हो जाएगा। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, देखो जो देखने में बहुत उटपटांग लग रहा था यह अब एक लाइन का इंटीग्रेशन हो गया। तो इसके बाद हम कास एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे दैट इक्वल टू माइनस, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये हटा दिए, कास एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये हो गया साइन एक्स और लिमिट जीरो टू पाई दैट इक्वल टू माइनस साइन का अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन जीरो दैट इक्वल टू माइनस साइन पाई क्या होता है जीरो और माइनस साइन जीरो जीरो, सब जीरो हो गए ओ जीरो, फाइनल आंसर इज जीरो। क्या आंसर होता है जीरो आता है, जीरो आया ठीक है। तो ये है इसका, ये सब क्वेश्चन आपको जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे तो ओरल बनने वाले हैं, सीधा क्वेश्चन को देख के बता दोगे कि कितना आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी हम लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड से पढ़ेंगे। मतलब ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम, मतलब एक्चुअल में डेफिनेट इंटीग्रेशन के तीन तरीके हैं आप समझ लो। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया लिमिट ऑफ सम, वो दूसरे नंबर में जो अभी पढ़ा रहा हूँ फंडामेंटल थ्योरम, और तीसरा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, मतलब कुछ विशेष प्रगुणों का उपयोग करके, वो लास्ट वर्क है। तो आप आज मैं क्लास को यहाँ कंप्लीट करता हूँ और आप लोग बहुत ध्यान से इसका आप रिविज़न करिए, और लास्ट में आपको जाते जाते ये सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज दे दूँ कि इंटीग्रेशन को प्लीज़ आप रिवाइज कर लो। बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको कठिन लग रहा होगा कि भाई ये इंटीग्रेशन कैसे हो गया। अब ये इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे तो फिर तो आगे तो कुछ काम ही नहीं है ना, तो इंटीग्रेशन को आप बढ़िया से रिवाइज कर लो। मेरे चैनल में पूरे सभी के प्रॉपर इंटीग्रेशन के बहुत से वीडियो आपने देखे भी होंगे, और यदि कोई नया स्टूडेंट इसको देख रहा है तो प्लीज़ यहाँ पर इस वीडियो को देखने के बाद बंद करो काम और पीछे जाके फटाफट रिवाइज कर लो, ताकि मेरा अगले वीडियो आने के पहले आपका इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाए। ओके ओके थैंक यू।